स्टार्टअप व्लॉग। क्लास गए थे आज, जल्दी खत्म हो गई। फर्स्ट डे ऑफ क्लास था, तो अभी सारे बच्चे घूमने जाने को कह रहे हैं। गुरमोहित, ये सुखमन, मुंह छुपाने वाली सुखमन, ये अपनी हरजीत, ये मेरे पहले इंटरव्यू में आ चुकी, और इसे तो आप जानते ही हैं, ये तो मेरा सखा है। तो अभी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, एक मिनट, ये हमारे टूर गाइड ये बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। ये बढ़िया है, शो अराउंड द न्यू स्टूडेंट्स विल है। ये कहाँ से आए पता है आपको? ब्राउनटन से। ब्राउनटन, ब्रैम्पटन इज ब्राउनटन। ये आए हैं ब्राउन टाउन से, तो अभी इन्हें हम घुमाने ले जा रहे हैं। मेरे को तो सोना था, एज यूजुअल बेस्ट हैबिट, लेकिन चलो इनकी रिक्वेस्ट पे ये अच्छा काम कराने ले जा रहे हैं। लास्ट टाइम में मैं गया था, रात में गया था, तो व्लॉग नहीं बना पाया था। आज आपको दिन में दिखाऊंगा वो जगह कितनी सुंदर है जहाँ जा रहे हैं। चलो लेट्स शूट द कार, बाय बाय। दिस इज वेयर वी, जहाँ की मैंने डाली थी फोटो। अभी ये मिट्टी का पहाड़ बना हुआ है बिकॉज वर्क इज गोइंग ऑन। ये देखो, ये ऑरेटरी इतनी बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑरेटरी, बड़ा चर्च बेसिकली। ये कैमरा इसको उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा जितना ये लार्ज है। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से ये पहाड़ के ऊपर जाके है पूरा। एंड दिस इज द नियर बिल्डिंग। सो आई विल ट्राई एंड शो यू अराउंड कैसी है जगह। ठंड हो गई आज, यहाँ अभी भी 5-6 डिग्री टेम्परेचर है बस। ये हम पहाड़ चढ़ते हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब पहाड़ चढ़ते हुए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग। गुरमोहित तुझे कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बस आ रही है। रोको बस को, इंडिया थोड़ी है ये, सामने खड़े हो जाओगे। बस आ रही है। हरजीत की हालत खराब है, उसने तो चढ़ाई देखते ही पहले सोच लिया क्या हो गया। खैर यहाँ मसूरी सी फील आ रही है अभी पहाड़ी चढ़ते हुए सबको, बट ठंड कम लगेगी ना चलने से। ऊपर आ गया, अब देखो इसका ग्रैंड स्ट्रक्चर। ये गाड़ी खड़ी है, इससे आप इमेजिन कर लो कि कितना बड़ा है। और हम नीचे से आए हैं ट्रैक करते हुए, बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं है, आधे किलोमीटर की ही होगी। एंड देन आई विल शो यू द एग्जैक्ट हाइट, द मैक्सिमम वेयर वी कैन गेट दिस गेट हेयर। को जी वो खड़ी है गाड़ी वहाँ एंड में, अगर दिख पाए तो, ये है गाड़ी। अब देखो वहाँ से मैंने आपको दिखाया था, एंड वेयर आई एम राइट नाउ, इतनी हाइट पे हूँ मैं। और यहाँ से पूरा मॉन्ट्रियल दिखता है आपको, और देखो लेक, देखो पूरा सिटी, अरेरा पहाड़, और ये लिखा है देखो सेंट जोसेफ ड्यू माउंट रॉयल। दिस इज द व्यू, लोग यहाँ आराम से बैठे हैं, मैं भी यहाँ के आराम से बैठ गया हूँ, मेरे पीछे भी लोग बैठे हैं, सुकून से आके बैठिए। टेम्परेचर है 7 डिग्रीज, दिन के 3-3.5 बजे हैं, और मतलब बहुत ही सुकून, और शहर के बीचों बीच ऐसा लग रहा है हिल स्टेशन पे आ गए, सारी टेंशनें सारा हेक्टिक स्केड्यूल छोड़ के। और अभी अंदर जाएंगे तब आपको दिखाऊंगा कि और कितनी ब्यूटी है अंदर। रात में अलग व्यू है, एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल विद द लाइट्स, बट अंदर का तो दिन में रात में सेम है। सो आफ्टर दिस आई विल टेक यू इन, स्टे ट्यून्ड। एंटर द ऑरेटरी, ये एंट्रेंस है, विल एंटर, ये एंट्री से आए हैं पहले। Okay.
It's in French, the timings. Read. तो बस आप देखते रहना, जहाँ बोल पाऊँगा वहाँ आई ट्राई एंड टेल यू। ये पता नहीं कब खुलती है, कैफेटेरिया है, नो आइडिया। लास्ट टाइम रात में आया था तो भी बंद थी। ये शायद यहाँ का फ्लोर प्लान है पूरा, चेक। ये शायद यहाँ की सुवेनियर शॉप है, यू कैन बाय थिंग्स। ओ एटीएम कैश, कैश एटीएम भी है यहाँ। ये वैशाली का भी हम जाएंगे। एस्केलेटर्स लगे हुए हैं नीचे ऊपर हर जगह, नीचे भी ले जाएंगे अभी, ऊपर भी लेके जाएंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग अप नाउ। Now the next floor, souvenir shop. और हम यहाँ थे तो टेरेस, जहाँ से हम ऊपर गए। This is a beautiful place. Look at this beautiful place. You can light up the candles. You can pay $1. $5 I don't know, but you can light up the candles. And this is the beauty of this place. दिस इज मैग्निफिशेंट। ये सारा हाथ से बनी हुई पेंटिंग है। मैं लास्ट टाइम मतलब देख के हैरान था मैं, कितनी मेहनत हुई होगी सारे कलर को
डिफाइन कर रहे हैं हर चीज़ को, जैसे मैं पास से दिखा देखो कैसे हर चीज़ डिफाइन करके बनाई है। सही है, स्काउट। सो व्लॉग का अब करते हैं एंड। आवाज यहाँ गूंजेगी, बढ़िया आवाज आएगी। कैसी लगी आपको जगह सबको? अच्छी लगी। आप लोगों ने पहली बार देखी, कैसी लगी? अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मेरे जैसी। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग आउट। अब अंदर गर्मी लग रही थी, अब ठंड लग रही है। आई विल वेयर माई कैप एंड फाइनली हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द करवाज। ओके, एंड स्पेशली टू माई वाइफ, माई बेटर हाफ हु इज इन इंडिया। टाइमली व्लॉग आ जाएगा ये वाला, कल करवा चौथ है, आ जाएगा। इंडिया में भी सुबह हुई होगी, यहाँ इवनिंग होने वाली है। सो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, एंजॉय, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, फला डिमका, जो मर्जी करो। पैसे मैं नहीं कमा रहा हूँ इससे, अभी मौज के लिए चल रहा है काम।